क्या बात है भाई, एकदम अगल बगल। वाओ भाई, 300 सीसी वर्सेस 200, देखो भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। दोनों की दोनों नेकेड स्पोर्ट है, जा चुकी है ऑलरेडी। ये एनएस ये रही, बगल में लगी हुई है बिल्कुल। लौंडा ये भी हल्का है, समझ रहे हो ना, तो ये भी हल्का है, मैं भी हल्का हूँ। तो यहाँ तो भाई भाई बहुत भागने वाली है भैया। ताबर तो भाई हेड टू हेड होने वाला है यहाँ पर। 300 सीसी कैटेगरी को भाई 200 कैटेगरी बजाज जो है टक्कर दे रही है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक फिर से धमाकेदार आपके लिए वीडियो लेके आ चुका है, जिसमें कि हमारे पास है एनएस 200 BS4। जैसे कि आप देख रहे हैं, तेलंगाना की ये गाड़ी है। हमारे भाई आए थे हम लोग से मिलने तेलंगाना से, इसको राइड करके। और इधर ये हमारे पास होंडा की CB300F, इन दोनों की करने जा रहे हैं एक हम लोग ड्रैग रेस। और जैसे कि पावर की बात करूँ तो वो देखिए 300 CC की है, ये 200 CC की है। ये BS4 है, वो BS6 मॉडल की बाइक है। और दोनों की बात करें, दोनों स्पोर्टी लुक में एकदम ख़तरनाक सी आई। और चलिए अब मिलते हैं डायरेक्ट आपको, बाइक पे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आते हैं पहले अटेम्प्ट में। वाह क्या पिकअप है भाई, 26 PS पावर तो यहाँ पे दिखने वाली है। NS काफी पीछे हो चुकी है और मैं आगे निकल चुका हूँ काफी। राहुल मेरे बहुत पीछे है, लगा हुआ है भाई। 549 और ये देखो सीधी बगल में, क्या बात है, क्या बात है भाई, एकदम अगल बगल। वाओ भाई, 300 सीसी वर्सेस 200, देखो भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। दोनों की दोनों नेकेड स्पोर्ट है और उसकी एनएस BS4 है, तो समझ सकते हो। 144 जा चुकी है ऑलरेडी। ये एनएस ये रही, बगल में लगी हुई है बिल्कुल। लौंडा ये भी हल्का है, समझ रहे हो ना। बात भी देखो भाई, ये होती है पावर एक पल्सर की, पल्सर एनएस 200 की, जिसको आप सभी लोग जानते ही होंगे भाई। और ऐसे ही नहीं, पल्सर की फेमस है 148। आगे निकल रही है, आगे निकल रही है, थोड़ा सा विंडास को चेक करते हैं। तो ये भी हल्का है, मैं भी हल्का हूँ। तो यहाँ तो बाइक भाई बहुत भागने वाली है भैया। ताबर तो भाई हेड टू हेड होने वाला है यहाँ पर। 300 सीसी कैटेगरी को भाई 200 कैटेगरी बजाज जो है टक्कर दे रही है। और ये लिमिटर आ रहा है इसमें, तो इसमें लिमिटर आ रहा है, ऐसा क्यों, जबकि ये कार्बोरेटर वाली बाइक है। इट मीन्स की BS4 बिल्कुल बगल में चल रहा हूँ मैं। जा चुके हैं हम 45, 46, 47, 48, 49, NS कहाँ गई, NS है पीछे से। थोड़ा सा मौका भी नहीं दूंगा मैं, फिर अगर मौका दे दिया तो 48, 49, 550 क्यों नहीं जा रही है, जबकि NS को तो जाना चाहिए। और जस्ट पीछे हूँ भाई मैं, जस्ट पीछे, ज़्यादा गैप तो नहीं है, बस भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे निकल नहीं पाऊंगा, ये तो मुझे पता है। NS लगी हुई है बिल्कुल पीछे मेरे, और देखते हैं कि ये कितना भाई जो है करने वाली है। लगी है बिल्कुल, चिपका के रखा हुआ है लौंडे ने, बिल्कुल बगल में चिपका के रखा है। आ गया, ये रहा मिरर में देख सकते हो आप, ये पीछे लगा हुआ है। सॉरी, मैं इनको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, बट यहाँ पे लिमिटर खा रही है ये 149 पे, और उसके ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है भाई। हो गया भाई, हो गया NS 200 का। और ये लिमिटर आ रहा है इसमें, तो इसमें लिमिटर आ रहा है, ऐसा क्यों, जबकि ये कार्बोरेटर वाली बाइक है। इट मीन्स की BS4 बिल्कुल बगल में चल रहा हूँ मैं। और लेकिन NS 200 मुझे नहीं लगता है कैपेबल होने वाली है यहाँ पर,
इसको हराने के लिए। और देख सकते हो पीछे लगा तो हुआ है, लगा है पीछे भाई, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बैटल हो गया है, बट इतने लॉन्ग करने का कोई फायदा भी नहीं है भाई। लेकिन मुझे उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है, देखते हैं फिर भी क्या हो सकता है। यहाँ पर है ना काफ़ी पीछे है, हाईवे ख़त्म हो जाएगा लेकिन ड्रैग नहीं ख़त्म होगी। रोक ले रोक ले। सो गाइस जैसा आपने देखा कि एन एस 200 बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, पता है मौका अगर मैं दे देता तुम्हें तो उसके बाद ये फिर कवर ना कर पाती, इसलिए मैंने बिल्कुल भी मौका तुम्हें नहीं दिया। सो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा कि एन एस 200 हाँ बगल आ जा रही थी, लेकिन जैसे ही इस पर विंड ब्लास्ट पड़ रहा था ये पीछे चली जा रही थी। BS4 मॉडल है, BS6 होती तो और हक देती, लेकिन BS4 थी तो थोड़ा वो अगल बगल लगी हुई थी। BS7 भी इसी तरह परफॉर्म करती है, अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। अभी नई वाली आने वाली है, उसके लिए कमेंट करो फटाफट से, तो उस बाइक को मैं फटाफट से ले आता हूँ आपके लिए और उसका कंटेंट आपको देता हूँ। और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन एक चीज़ है, देखो यार 300 होंडा का इंजन है तो भाई आपको मजबूती यहाँ पर आपको भर भर के मिलने वाली है, मतलब इंजन जो है प्रॉमिस करता है लॉन्ग लाइफ इंजन के लिए। तो भाई होंडा के इंजन तो मजबूत होते हैं ये तो सबको ही पता होगा। ये ऑयल कूल्ड है, वो लिक्विड कूल्ड है। हाँ NS के जो बजाज के इंजन होते हैं वो थोड़ा सा जो है रिलायबल कम होते हैं होंडा के मुकाबले में। अब 2 लाख रुपए में भाई आपको 300 सीसी की बाइक मिल रही है, पूरा जो है नेकेड वाला इतना ख़तरनाक सा लुक मिल रहा है, तो क्यों नहीं भाई आप इसके लिए जाओगे, इसके लिए बिल्कुल जा सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है भाई, पैसा आपका है और राइड हमेशा शेव करो यार, मेरा कहना ये है। बजाज तो भाई अपनी जगह है ही, लेजेंड है। बाकी होंडा भी अपना जो है प्राइस कट करके, और एक चीज़ R3 भी 1 लाख अब सस्ती हो चुकी है, तो उसके लिए भी कमेंट करो अगर वो बाइक चाहिए तो वो भी फटाफट से आपके लिए लेके आ जाएंगे। बाकी मेरा चैनल बनना है वो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम से फटाफट फॉलो करो। चलो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। 200 मुझे नहीं लगता है कैपेबल होने वाली है यहाँ पर इसको हराने के लिए। और देख सकते हो पीछे लगा तो हुआ है, लगा है पीछे भाई।